हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले ई कल्याण का फॉर्म कब से फिलअप होगा 2022 हज़ार का क्योंकि दोस्तों यहां पे जो है सो दो अक्टूबर नवंबर के बीच में दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू हो जाना था लेकिन अभी तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है ठीक है ये पोस्ट मैट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं हालांकि प्री मैट्रिक का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है काफी दिन से शुरू है ठीक है लेकिन पोस्ट मैट्रिक का अभी तक दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप शुरू नहीं हुआ है साथ ही दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट का पिछले जो सो पिछले ईयर का पेमेंट नहीं आया तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों साथ ही हम आपको बताने वाले एन पी और डी कैसे एक्टिवेट कराना आपके अकाउंट में कोई भी सरकारी फंड आपके अकाउंट से मिस ना हो ठीक है जैसे काफी सारे स्टूडेंट या फिर काफ़ी सारे कोई भी व्यक्ति का अगर एनपीसीआई या फिर डीबीटी एक्टिवेट नहीं रहता है तो उसका दोस्तों सरकारी फंड किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं मिलता तो वो मैं आपको बताएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम आपको जो बता देने वाले हैं कि ई कल्याण में जो पहले का पेमेंट जिस स्टूडेंट का फंसा हुआ उसके बारे में तो देखिए हम पहले भी आपको बता चुके कैसे इसको देखना रहता है तो जिनको नहीं पता वो हम बता देते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक केलन का साइड पर जाना है इस तरह से आएगा आप चाहे तो अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं हम आपको लैपटॉप में करके दिखा रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट आएगा ठीक है आपके फ़ोन में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है रिपोर्ट अब यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक का देखना है पोस्ट मैट्रिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्राफ बन के आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए इस ग्राफ से आप दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस में किसको कितना मिल चुका है और कितना स्टूडेंट का बाकी है पेमेंट आना अगर आपको इसे समझ नहीं आता है तो सबसे पहले यहाँ पे सेशन जो सो आपको सेलेक्ट करना तो देखिए यहाँ पे सेशन 2021 हज़ार इक्कीस बाईस का यहाँ पे हम दोस्तों सेलेक्ट करके रखे हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ पे पाँच लाख बासठ हज़ार दो सौ एक का स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था 2021 हज़ार में जिसमें से वेरीफाई हुआ था चार लाख तिहत्तर हज़ार दो सौ एक ठीक है और उसमें से यहाँ पे देखिए चार लाख छत्तीस हजार नौ सौ दो स्टूडेंट का ही अभी तक पेमेंट आया है और बाद बाकी जो लगभग यहाँ पे देखिए तो तीस हजार के आसपास में स्टूडेंट को दोस्तों यहाँ पे सैंतीस हजार स्टूडेंट के आसपास में यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे नहीं आया है ठीक है तो ये पेमेंट दोस्तों जब तक नहीं आएगा तब तक दोस्तों यहाँ पे 2022 हजार का फॉर्म फिलअप होना शुरू नहीं होगा ठीक है क्योंकि ई कल्याण में जब भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है तो पहले जो प्रीवियस ईयर का जो भी पेमेंट बाकी रहता है उसको जब तक क्लियर ना हो वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक दोस्तों यहाँ पे पेमेंट जो सो अगला फॉर्म फिलअप जो सो नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो छत्तीस सैंतीस हज़ार जो भी बचे हुए हैं ठीक है वो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म फिलअप शुरू नहीं होने वाला ठीक है तो ये था पूरा डिटेल अब यहाँ पे देखिए आपको डीबीटी या फिर एन आपको आपके अकाउंट में दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट कराना ही पड़ेगा अब कैसे कराना है वो हम आपको बता देते हैं देखिए एक होता है दोस्तों के आपको पता होगा और एक होता है ई के ठीक है तो के दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली आपको फॉर्म फिलअप करके देना होता है और आपका के हो जाता है आपके अकाउंट में ठीक है आपके बैंक अकाउंट में और एक होता है ई के जो आपका दोस्तों थम इम्प्रेशन के साथ होता है ठीक है तो अगर आपका अकाउंट खुलने के टाइम अगर आपने थम इम्प्रेशन से नहीं खुलवाया आपका अकाउंट तो दोस्तों आप ये समझिए कि डी या फिर एन आपका एक्टिवेट नहीं है आपके अकाउंट में और अगर आपने थम इम्प्रेशन के साथ दोस्तों यहाँ पे जो सो अकाउंट खुलवाया है और आधार कार्ड से आप पैसा जो सो निकाल सकते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि डी या फिर एन आपके अकाउंट में लिंक है ठीक है लेकिन इसका 100% परसेंट ये मतलब नहीं है कि अगर आप आधार कार्ड से पेमेंट निकाल रहे हैं तो आपका एन या फिर डी एक्टिवेट होगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है ठीक है डीबीटी टी या फिर एन पी एस दोस्तों एक अलग सर्वर होता है ठीक है तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको ई के वाई सी कराना पड़ेगा वो भी आपके बैंक अकाउंट जाकर के ठीक है और अगर आपका बैंक अकाउंट ये इस बात को नहीं मान रहा ठीक है क्योंकि जब हम गए थे ईके वाई सी करवाने तो वहाँ पर डायरेक्ट हमको बैंक मैनेजर ये बोला था कि हमको समझ नहीं आता ई के क्या होता है हम सिर्फ के जानते हैं और हमको ई के क्या होता है ये हमको नहीं पता वो बैंक मैनेजर डायरेक्ट ये बोला था तो हम कुछ भी नहीं किए थे डायरेक्ट हम दोस्तों यहाँ पे एक नया अकाउंट खोला खुलवा लिए किसी दूसरे आ, किसी मतलब हम बता देते एयरटेल पेमेंट बैंक हम दोस्तों यहाँ पर खुलवा लिए उसके बाद फिर मेरा ई कल्याण दोस्तों कभी नहीं फंसता ठीक है तो आप चाहे तो आप नए अकाउंट भी खुलवा सकते हैं ठीक है तो ये था पूरा डिटेल अब बताते हैं इसका दोस्तों अब अप्रॉक्स दोस्तों यहाँ पे जो सो फॉर्म फिलअप जो सो शुरू होगा वो ये समझ लीजिए कि जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी स्टार्टिंग में दोस्तों आपका यही कल्याण फॉर्म फिलअप शुरू होना हो जाएगा ठीक है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पूरा डिटेल दोस्तों हम इसके ऊपर एन और डी के ऊपर दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो लेकर के आने वाला है तो मिलेंगे आपसे उस वीडियो में तब तक के लिए